नमस्कार दोस्तों, एबीबी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि ईटू नेट फॉरेक्स ऐप क्या है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ईटू नेट फॉरेक्स स्मार्ट ऐप करके आएगा, तो इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि 4.0 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग है वो 10 लाख प्लस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग है काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से मैं ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, इस ऐप का जो भी इंटरफेस रहेगा यहाँ पर आपके सामने शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हम कुछ देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से आने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी सर्वर रहेंगे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उसी तरह से ऊपर आपको इस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से अपना जो भी ऐप फॉरेक्स है और यहाँ से अबाउट में इस ऐप के बारे में पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। और उसी तरह से दोस्तों, यहाँ से हमारे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अपने सर्वर रहेंगे वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अपना कौन सा भी सर्वर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं यहाँ से ये वाला सर्वर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। उसी तरह से यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ही देर में हमारा जो भी यहाँ पर कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो फास्ट रहेगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से हमारे जो भी सामने आ चुका है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड, इधर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से हमारे जो भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की रहेगी वो कुछ इसी तरह से ऐसे आपके सामने शो करेगी और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की दोनों स्पीड देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से ऐसे हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों, देख सकते हो ऐसे आप सर्वर को चेंज भी कर सकते हो और दोस्तों, इसे आप डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पर आपको वापस क्लिक कर देना है। क्योंकि क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो ऐसे आपके सामने डिसकनेक्टिंग की ऑप्शन आ चुका है और यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो डिसकनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अपनी जो भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड थी वो दोनों आ चुकी है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह से यहाँ से आप अपने मोबाइल में इस ऐप को आराम से यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।